आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। पहली प्रॉब्लम कि मैम मुझे ना लेसन सब पढ़ लेता हूँ मैं, जब क्वेश्चन पेपर देखता हूँ सारे क्वेश्चन देख के लगता है अरे अरे ये तो मुझे सब आता है, सारे लेसन मैंने पढ़ रखे हैं, बट जब क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने का वक्त आ जाता है तो एक लाइन लिखकर अटक जाता हूँ, चीजें याद ही नहीं आती है, समझ में ही नहीं आती क्या लिखूं, आता होता है पर लिख ही नहीं पा रहा हूं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है बेटा समरी, शॉर्ट नोट्स हर लेसन की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जब आपने एक लेसन को पढ़ लिया है और आपको समझ में आ गया है तो सारी इंपॉर्टेंट मुद्दे की बातें शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको लिखनी होगी और ये शॉर्ट नोट्स आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, फिर किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते वक्त आप घबराओगे नहीं। और एक प्रॉब्लम है, बच्चे कहते हैं मैम ये बताइए जरा कि हम कितनी लाइंस का आंसर लिखें। बेटा नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड्स ऑन योर हैंडराइटिंग, कुछ लोग वर्ड्स को खुला खुला खिले खिले चावलों की तरह लिखते हैं जिस वजह से स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होता है, कुछ लोगों के अक्षर छिपके हुए चावलों की तरह होते हैं छोटे छोटे से जिस वजह से लाइंस कम लगती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर हैंडराइटिंग अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस, इसीलिए नंबर ऑफ वर्ड्स का ध्यान दो, वर्ड लिमिट को पूरा करो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। टिल देन सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।